26/9/2023 गया नगर निगम के सभी सफाई कर्मी गया पुलिस के द्वारा बेवजह मारपीट करने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ज्ञात हो कि दो दिन बाद पितृपक्ष मेला 2023 शुरू होने जा रहा है। गया जिले में विश्व के कोने कोने से पिंडदानी अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हेतु तर्पण करने आने वाले हैं। ऐसे में यदि निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर रहे तो शहर का क्या होगा। सफाई कर्मियों ने डेल्हा थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार एवं उनके साथ रहे पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया है कि वो बिना किसी सूचना के कुजापी में नाले की सफाई करने के क्रम में आकर अचानक आक्रामक हो गए और बेवजह हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। जब सफाई कर्मी मारने की वजह पूछे तो धर्मेंद्र कुमार ने वहां पर मौजूद सभी कुल 13 सफाई कर्मियों तथा चालक के साथ मारपीट की। बताइए कि आपके साथ मारपीट क्यों हुआ? डायरेक्ट आई सुबह से मारपीट चालू कर दी। कौन मारा? दरोगा था। क्या नाम जानते हैं उनका? नाम ना जानते। ऐसे वो आपने पता किए तो पब्लिक पता इसके धर्मेंद्र कुमार पासवान नाम। अच्छा, इन थाना प्रभारी ही? पब्लिक से हमको पता लगा। क्या आप भी पिटाए हैं? उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? हम उस समय गाड़ी को अपना लेबर को भर गया था, गाड़ी उसको लोड करके उसको भेज रहे थे और लेबर लोग से पाइप साइड करवा रहे थे। तो मारने का क्या कारण हुआ? मारने का कारण हमें खुद नहीं पता चला। डायरेक्ट मारे, उनके बाद फिर मेरा गाड़ी का केबिन तक ठोकने लगे। गाड़ी का केबिन तक ठोक के गाली गुलौज कर रहा है। ड्राइवर हम बोले हाँ मैं साथ, पहले मारो, पहले माधव चोर को दम था। अब मारने के बाद फिर हम लोग को बोलता है कि आपको गाड़ी बढ़ाओ। जब हम गाड़ी बढ़ा लिया तो मेरा लेबर लोग पाइप साइड कर रहा था, तो फिर मेरा लेबर लोग को मारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार। आपका क्या नाम है? अमित कुमार यादव। कल की घटना का तो हम भर्सना करते हैं, बहुत गलत काम किया गया है। इसके लिए ऊपर के अधिकारियों लोगों को भी सूचित कर दिया गया है। कल रात में वार्ता हुई है, जिला पदाधिकारी महोदय ने खुद इसको संज्ञान में लेते हुए और जो जिनके द्वारा ये गलत काम किया गया है उस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए कहा गया है कि उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, वहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। ये कार्रवाई आज कल तक कराई का आश्वासन, क्योंकि आज एसपी साहब का हाई कोर्ट में अपीयरेंस है। सर यहाँ नहीं है, वो मेयर डिप्टी मेयर भी आ रहे हैं, आपको इस संबंध में विशेष जानकारी। डिप्टी मेयर तो आपके सामने है, मैं तो मेजर नहीं है। पूर्व डिप्टी मेयर और मेयर आ रहे हैं, तो आगे की बात होगी। मैडम को भी बुलाया गया, वो भी आ रही है। संबंध में आगे कार्रवाई हो जाएगी। आप अपना? मैं शैलेंद्र कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता गया। हड़ताल का कारण है कि कल 14-15 कर्मचारी काम कर रहे थे कुजापी नाला में, कचरा जो वहाँ गिर रहा था या जाम हो गया कि शायद राज्यपाल को आना था या कहाँ आना था। तो आपकी काम है सुरक्षा करना, पहले परमिशन लेते निगम से कि कल वहाँ सफाई मत कीजिएगा, वो आवेंगे जाएंगे इसके बाद आप कीजिएगा। तो बड़ी गाड़ी जहाँ लगेगी जाम तो ऑटोमेटिक होगा। और निगम का काम तो है कि पूरे नाला पे कचरा को पसारो, निकल जाता है इतना माल निकलता है जो रोड जाम होता ही है और करके करता है। प्रशासन आता समझाता कि बाबू काम बंद कर दो, अभी थोड़ा देर गाड़ी को किनारे लगा दो, ऐसा ना करके एक पहले जो है कि मजदूर लोग जो नीचे था उसको पीटना शुरू किया, उसके बाद ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया, बुला करके खोल करके बेतरह से पिटाई किया। ऐसा हम बेरहमी क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? पुलिस के हम लोग सहयोग कहीं होता है तो करते हैं। अच्छा, इस सारी बात की जानकारी कल ही हमारे पदाधिकारी जो मुख्य पदाधिकारी है नगर आयुक्त उनको दे दिया गया। उनको अभी आना चाहिए था, उनको डर किस बात का है? कर्मचारी आपका है, कर्मचारी आपके साथ है, कोई कर्मचारी आपके साथ बेअदबी नहीं करेगा। और आप आ करके यदि बात करके समझाते बताते कि ऐसी ऐसी बात हुई है, हम लोग एसपी साहब को बुलवाते, जिला पदाधिकारी को बिना बात किए अभी तो बात बढ़ गई पूरे शहर के दूसरा की 1,65,00,000 में 65,00,000 में टेंडर हुआ है। ये लोग हड़ताल पर है, आप अपना काम कराते रहिए, इससे दिक्कत क्या है, समझिए। यही सब बात है, इसी लेकर के कर्मचारी लोग आंदोलन किया है कि जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग जो है हड़ताल पर रहेंगे, चाहे मेला हो चाहे जो भी हो। मेला के बारे में जब पदाधिकारी पुलिस प्रशासन हो या जिला पदाधिकारी नहीं सोच रहे हैं तो हम मजदूर कर्मचारी क्या सोचेंगे। क्या नाम हो आपका? शिव बच्चन शर्मा, अध्यक्ष बिहार प्रदेश लोकल एम्प्लॉय फेडरेशन पटना। गया का ड्यूटी में रहा चिंता देवी, और बड़ी संघर्ष से हम जीते हैं और हम चाह रहे हैं कि जनता का हौसला पूरा हो, और जनता हमको बहुत हौसला से जिताया है, और इसलिए हमको कर्मचारी के बहुत दुर्घटना हो रहा है और ना यहाँ का एसपी देख रहा है, ना यहाँ का नगर आयुक्त देख रहा है, ना यहाँ का डीएसपी देख रहा है, ना यहाँ का
डीएम वरीय पदाधिकारी लोग क्या वरीय पदाधिकारी लोग नहीं, मैं कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, देखने वाला मेरा कर्मचारी को कोई नहीं है। जब मार के सुता देता है तब फोन ही लोग करता है, तो बहुत देरी पड़ी गया का नगर निगम का पदाधिकारी जो है वो बहुत देरी पर फोन उठाती है, फोन नहीं ले पाता है। इतना ही लोग प्रशासक इतना बिजी है कि चाह नहीं रहा कि जनता ऊपर हो। तो यदि यदि इन लोग जो ये जो महासंगम लगने वाला है पितृपक्ष मेला 2023 का, इस अवस्था में सारे जो आपके निगम कर्मी हड़ताल पे चले जाएंगे तो क्या होगा, सफाई की तो पोल खुलेगी? अभी पटना में हड़ताल है, मुजफ्फरपुर में हड़ताल है, बनारस में हड़ताल है, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ गया में देश विदेश के आदमी आता है, हम लोग का मेयर डिप्टी मेयर के नाम हो कि नहीं, नहीं थे हम लोग का नाम हो कि नाम खिले कि गया में गए तो सफाई अच्छा हो, लेकिन ऐसा यहाँ का नगर आई जाए कि चाहता नहीं कि यहाँ का कर्मचारी सुरक्षित रहे। और हम कहते हैं कि जितना हमारा कर्मचारी है उतना सुरक्षित रहेगा तो ठीक है। और बेल्हापुर थाना में ये बड़ा बाबू है, कौन है, उसको निलंबित किया जाए, और अगर नहीं निलंबित होगा तो हम हड़ताल नहीं तोड़वाएंगे, हम हड़ताल पे रहेंगे। क्या आपके समर्थन में मेयर साहब नहीं है, वो नजर नहीं आ रहे? आप तो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम क्या बोले, हम अकेले मरने वाले हैं कर्मचारी के साथ है, क्योंकि हम कर्मचारी को साथ है, मरे हैं जिए हैं, ये बात को ये दुर्घटना को कब हम देख ले हैं, इसलिए हम इन लोग का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मरेंगे तो हम आगे और जिएंगे तो हम आगे।